दूसरे फेज के जो डिस्ट्रिक्ट है ऑलमोस्ट प्लेन के ज़िले हैं, जम्मू सांबा रियासी का मैक्सिमम एरिया प्लेन्स का आता है, सिर्फ माहौर और कालाकोट का एरिया जो है हिली आता है, तो कनेक्टिविटी के कोई इश्यूज इस एरिया में नहीं है। कल जो है कुछ एक एरियाज़ में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और दूसरी कोई डिफ़िकल्टीज़ इसमें नहीं आ रही है। सिर्फ इतना ही रहेगा कि जितना कन्वीनियंस वोटर्स के लिए है उतने ही कन्वीनियंटली मैं उनको अपील करना चाहूँगा कि वो अपने घरों से निकल करके उनके ही मोहल्लों में, मैक्सिमम अर्बनाइज्ड एरियाज़ है, हर एक मोहल्ले में हमने पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किया है। आपके नज़दीक के जो मोहल्लों में जो पोलिंग स्टेशन है आपके लिए हमने बहुत मेहनत करके एस्टेब्लिश किया है, वहाँ जा कर के आप अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए कोई खास पैगाम? डेफिनेटली जो है आप फर्स्ट टाइम वोटर्स बने हैं, सिर्फ वोटर बनने के लिए वोटर नहीं बने हैं, ईपी कार्ड के लिए वोटर नहीं बने हैं, या वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए वोटर नहीं बने, ज़रूर आप जो है वोट कास्ट करने के लिए वोटर बने हैं। तो वोट कास्ट करने का कल दिन है। आप सबको मेरी अपील है, खास करके उन तमाम फर्स्ट टाइम वोटर्स को जिनकी उम्र 18 से 20 22 के बीच में हो सकती है, उन सबको कि वो आप अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें, आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, हमने हर एक पोलिंग स्टेशंस पर आपका एक्सपीरियंस बेटर रहे उस प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास किया। सुरक्षा के कैसे इंतजाम करे गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि एक टारगेट किलिंग हुई है रजौरी में, उसके बाद से इस एरिया में जो है सुरक्षा की कोई उतनी डिफिकल्टीज़ नहीं है जो दूसरे एरियाज जहाँ आपका जिक्र किया है, उस एरियाज में डेफिनेटली चैलेंजेस है, उसको हम देखेंगे। और एक चीज़ बताइए कि जैसे कि आप वुमेन वोटर्स का काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 10 के करीब पोलिंग स्टेशंस हमने कल पूरे 4 ज़िलों में ऑल वुमेन मैंड रखे हैं, जिसमें हर कोई चाहे पोलिंग पार्टी है सिक्योरिटी पर्सनल है वुमेन रहने वाला है। तो वुमेन जो है हर कोई काम करती आ रही है, इंक्लूडिंग इलेक्शन कंडक्ट करने जैसी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ भी वो कर सकती है, उससे जरिए से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उन पोलिंग स्टेशंस के ज़रिए से उन तमाम 50% जो आबादी हमारी वुमेंस की है उनको एक मैसेज देने का हमारा प्रयास है कि अगर वुमन इलेक्शन कंडक्ट करवा सकती है तो वोट तो ज़रूर कास्ट कर सकती है, वो उतना कोई मुश्किल नहीं है। साथ में हर एक पोलिंग स्टेशंस पर हमने वुमेंस के लिए सेपरेट टॉयलेट रखा है, सेपरेट क्यू रखी है। इवन कोई इलेक्टिंग मदर आती है छोटा बच्चे के साथ अगर आती है तो उसको हम स्पेशल विदाउट एनी क्यू जल्दी से जल्दी वोट कास्ट करने की सुविधा दे देंगे ताकि वो अपने घर पर जल्दी जा सके। एक आखिरी सवाल, पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ था 70% के करीब यहाँ पे पोलिंग हुई थी, इस बार आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से आप उत्साह देख रहे हैं लोगों में? डेफिनेटली आपने जो परसेंटेज बताया वो ज़रूर क्रॉस हो जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि उत्साह लोगों में काफ़ी है। अर्बनाइज्ड एरिया है, उतने डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, और जो फर्स्ट टाइमर्स वोटर्स है उनमें भी काफ़ी मैं उत्साह देखता हूँ, वुमेंस में भी काफ़ी उत्साह है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंडिडेट्स उन्होंने भी जो है जो कैंपेनिंग के पीरियड्स थे हर एक नुक इन कॉर्नर में जाकर के लोगों को एक्टिवेट किया है, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स और जो उनका जो अमला रहता है उसको भी एक्टिवेटेड है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो आपने वोटिंग परसेंटेज बताया उसको हम क्रॉस कर